खबर वाराणसी से। दवा व्यवसाय समिति के महामंत्री संजय सिंह ने ऐसे दवा विक्रेताओं के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। अवैध तरीके से लाई जा रही दवाओं को नारकोटिक्स टीम द्वारा पकड़ा गया। दवा व्यवसाय समिति के महामंत्री संजय सिंह ने बताया कि ऐसे दवा विक्रेता के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और हम दवा व्यवसाय समिति इसकी घोर निंदा करते हैं और हम लोगों के द्वारा ऐसे दवा विक्रेता के ऊपर कार्यवाही की मांग करते हैं और नारकोटिक्स में टीम के सराहनीय कार्य का मैं स्वागत करता हूँ। बबली चौरसिया की विशेष रिपोर्ट। सिगरा थाना में नारकोटिक टीम द्वारा नकली दवा पकड़े गयी। कानपुर से रोडवेज बस द्वारा अवैध तरीके से लाई जा रही थी। आज प्रातः 5 बजे रोडवेज से नारकोटिक टीम को मिला सफलता। अवैध दवाओं की कीमत करीब 250 लाख रुपए बताई जा रही है। मेरा नाम संजय सिंह है, मैं महामंत्री हूँ दवा विक्रेता समिति वाराणसी का और मंडल अध्यक्ष हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमीशन उत्तर प्रदेश। सर बताया जाए कि कानपुर से एक अवैध दवाई लाई जा रही थी जिसको आज नारकोटिक्स टीम द्वारा पकड़ा गया है। हाँ, ये आप ही लोगों के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि कोई समथिंग जो है एक व्यक्ति है वाराणसी का ही जो इस तरह का स्पूरियस ड्रग या नारकोटिक्स से संबंधित ऐसा अभी अपुष्ट खबर आ रही है जो मेरे संज्ञान में आया है, तो इसका मैं घोर निंदा करता हूँ और बनारस जिले का जो नाम बदनाम कर रहे हैं ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इसका जो है कंडम करते हैं हम लोग और ऐसे लोगों को हम सही में बनारस में या हमारे मार्केट में हम लोग इन लोगों को कतई पनाह नहीं देने चाहिए। देखा जाए तो जो बिल था बिल पे दिखाया जा रहा था नॉर्मल दवा लेकिन वो नशीली दवा बताया जा रहा है नारकोटिक्स द्वारा। ऐसा जो है कई बार संज्ञान में आया, इसके पूर्व में भी इस तरह की हुआ था जब माल पकड़ा गया था तो इस तरह का लोग जो है इस तरह का हरकत करने वाले लोग ऐसे जो है बिल का सहारा लेते हैं और पीछे से गलत दवाओं का जो है ला करके इस तरह काम करते हैं। और कानपुर में सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि कानपुर से इस तरह की चीज़ें जो है आ रही है, वहाँ के जो सक्षम अधिकारी हैं वो लखनऊ में बैठे हुए हैं और उनका जो है क्या है कि वहाँ पे कोई आज तक कोई छापेमारी नहीं हुई कानपुर में, ना कानपुर में कोई इस तरह का सर्वे हो रहा है और वो लखनऊ जो है मुख्य सचिवालय में बैठे हुए हैं जबकि वो कार्यरत उनका जो है इंचार्ज जो है कानपुर बनाया गया है लेकिन वो कानपुर में कभी नहीं जाते, तो कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका संदिग्ध मानी जाए और ये पूरे प्रकरण का जांच होना चाहिए और हम शासन से और आप लोगों के माध्यम से जो मैं मांग करता हूँ ये पूरे प्रकरण का जांच होना चाहिए। सर देखा जाए तो आप लोग किस तरीके से कार्रवाई करेंगे क्योंकि आम जनता डॉक्टर को भगवान मानती है और इस तरीके से आप लोग की दवा नस्ली दवा काम कर रही है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? सही में ये बहुत चिंतनीय विषय है और जो चीज़ें हम लोगों के ऊपर भी ऐसे लोगों के वजह से हम लोगों के ऊपर भी शक के नज़र से लोग देखते हैं जो सरासर गलत है, ऐसे लोगों को हम लोग खुद चिन्हित कर रहे हैं। हमारे दवा विक्रेता समिति के कुछ पदाधिकारी इसमें खुद लगे हुए हैं, हम लोग मार्केट में घूमते हैं, सर्वे करते हैं, जो बाहर से माल लाते हैं या ऐसी जानकारी आती है तो हम लोग इमीडिएट जा करके उनका जो है जाँच करते हैं और उनको जो है बताते हैं कि बिना बिल का कोई भी माल यहाँ पर बनारस में तो कतई नहीं आनी चाहिए। और ये सही है कि इस तरह के कुछ लोग हैं जिनको जो है शासन प्रशासन और यहाँ का प्रशासन में देखा हूँ ड्रग विभाग यहाँ का एक्टिव है और इस तरह का जो है जहाँ का विभाग एक्टिव है तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलता है। मैं विवेक कुमार वाराणसी, आज ये कार्रवाई जो हुई है ये सहायक आयुक्त औषधि श्री नरेश मोहन सर के नेतृत्व में बैठक थी जिसमें हमारे साथ में डायरेक्टर संजय दत्त और जौनपुर के डायरेक्टर चंद्रेश जी साथ में है। मुखोली से सूचना यह प्राप्त हुई थी कि कानपुर से बस चलिए यूपी रोडवेज की, उसमें कुछ जो है नशीली दवाइयों का अवैध तरीके से लाया जा रहा है। उनकी सूचना को विश्वास करते हुए सहायक निर्देश में सुबह करीब 6 बजे 5 से 6 के बीच में कार्रवाई की गई, तो कानपुर से जहाँ से सप्लाई होती बिल पे बिल था जनरल औषधियों का, उनके अंदर जो माल फल करके रखा गया पेटियों पर तो उनके अंदर भारी मात्रा में नशीली दवाइयाँ बरामद हुई हैं और ये यहाँ के ऐसे सब सागर का एक होलसेलर दवा व्यापारी है उसके नाम पर बिल काटा हुआ था। ये वैभवी मेडिको और इसका जो प्रोपराइटर प्रशांत चौरसिया तो उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया। सर ये दवा कहाँ से आ रही थी? कानपुर से आ रही थी। कानपुर से आ रही थी और इसमें कितने लोग मतलब पकड़े गए हैं? एक लोग पकड़े गए हैं जो आरोपी है। वो क्या वाराणसी का रहने वाला है? ये वाराणसी का रहने वाला है, इसका एक मेडिकल स्टोर भी है वैभवी मेडिको।
सब सागर की मार्केट में। सर दवा की कितनी कीमत होगी? कितनी लगभग? ये 2.5 लाख रुपये मूल्य की औषधियाँ हैं। सर ये जो दवाएं हैं बेसिकली किसमें यूज होती है? बेसिकली ये पेन किलर हैं और इनका मतलब थेरापेटिक यूज होता है जो मरीजों में उपयोग के लिए, लेकिन इनका दुरुपयोग नशे के रूप में किया जाता है क्योंकि इसका अवैध तरीके से व्यापार किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ बनने के लिए। ठीक।